मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर जिंदगी में गम है, प्रॉब्लम तेरे संग है, तो समझ लो आप में कुछ खास है, क्योंकि जिंदगी भी उसी के साथ खेलती है, जो खिलाड़ी बेहतर होता है। ठीक इसी प्रकार आज बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने वक्त की मंडी में खुद को बेचा, खाने को भोजन नहीं, मिट्टी खा के पेट भरा, लेकिन कभी जिंदगी से हार नहीं माना। और वो आज अपनी एक दिन की कमाई से अगर चाहे तो पूरा गांव खरीद सकता है। इनके जिंदगी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका का एक गरीब बच्चा जिसका नाम है साडियो माने, 10 अप्रैल 1992 को एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। जिस गांव में इनका जन्म हुआ उस गांव में ना ही हॉस्पिटल ना ही स्कूल, फिर भी उस गांव में रहकर इस बंदे ने फुटबॉलर बनने का सपना देखा। लेकिन पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि इनका किसी एकेडमी में एडमिशन कराना तो दूर, इनके लिए एक जूता भी ला सके। इन्होंने फटे जूते से ही खुद से अकेले फुटबॉल खेलना सीखा। निर्दोष कई लोग होते हैं जो अपनी असफलता का कारण बताते हैं कि मेरे पिता के पास अच्छा पैसा नहीं, मेरे पास अच्छी कॉलेज की डिग्री नहीं, इसलिए मैं जीवन में असफल हो गया। लेकिन याद रखना, जो जिंदगी में असफल होते हैं ना, उनके पास अच्छी संसाधन नहीं, उनके पास अच्छी नीयत और अच्छी मेहनत नहीं होती। इसलिए आपको सक्सेस होने के लिए अच्छी नीयत और अच्छी मेहनत करनी होगी। साडियो माने जब 12 साल के हुए तो उन्हें पता चला कि उन्हीं के देश की राजधानी में फुटबॉल ट्रायल चल रहा है। लेकिन वह जगह इनके घर से 160 किलोमीटर की दूरी थी, जी हाँ 160 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन इनके पास बस का पैसा नहीं, ट्रेन से जाने का पैसा नहीं, इसलिए इन्होंने 160 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर दिया। याद रखना मेरे दोस्त, इसे कहते हैं मंजिल को पाने का पागलपन, इसे कहते हैं लक्ष्य को पाने का जुनून। जब वहां जाके देखते हैं तो जो इनका कोच था इनकी हालत को देखकर, इनके जूतों की हालत को देखकर इन्हें मना कर देता है। लेकिन इन्होंने कोच से 5 मिनट का वक्त मांगा कि आप मुझे 5 मिनट वक्त दो अपने आप को साबित करने का, अपने खेल को साबित करने का। लेकिन जब कोच ने इन्हें 5 मिनट का वक्त दिया, 5 मिनट में इनका गेम देखने के बाद सबकी आंखें चौंधी आ गई। उसी समय सभी लोगों ने बोल दिया था कि तू फुटबॉल में बहुत कुछ करेगा। लेकिन जब ये खुशी बताने के लिए अपने पिता के पास घर वापस लौट के आए तो देखते हैं इनके पिता की मौत हो चुकी थी, क्योंकि इनके पिता का हार्ट अटैक आया। लेकिन गांव में हॉस्पिटल नहीं, जिस वजह से इनके पिता ने दम तोड़ दिया, इनका साथ छोड़ दिया। मेरे दोस्त याद रखना कि वक्त जितना ही आपके साथ खेलती है आपको उतना ही काबिल बनाती है। अब वहीं से इनका खेल शुरू हुआ, इनका दौर शुरू हुआ। फ्रांस के क्लब ने इन्हें हायर किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंग्लैंड के एक बड़ी क्लब लिवरपूल के लिए खेलने लगे। और आज इन्हें लोग फुटबॉल की दुनिया का विराट कोहली भी बोलते हैं। इन्होंने फुटबॉल से जितना भी पैसा कमाते हैं उसका ज्यादातर पैसा उस गांव में लगाते हैं। $270,000 लगाकर गांव वालों के लिए अच्छी सड़कें दिया, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ दिया, क्योंकि जो इन्होंने अपनी जिंदगी में बिताया ये नहीं चाहते कि कोई और ये जिंदगी जिए। मेरे दोस्त याद रखना कि आप जिंदगी में कितना कमाया ये कोई मायने नहीं रखता, आपने कितना बचाया और उस बचाए हुए पैसे को कहां लगाया ये मायने रखता है। मेरे दोस्त, इनकी जिंदगी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।